तो गाइस आपको बस दिखाने के लिए कि गुफा जो है कितना अंदर है, अभी इसके अंदर मैं जा रहा हूँ। और आप देखिए, अंदर जाने से आपको एक्चुअली पता लग जाएगा, क्योंकि अंधेरा है तो अंदर जाने से एक्चुअली पता लग जाएगा कि जो गुफा है वो कितना बड़ा है। दोस्तों अभी जो आप देख पा रहे हो ये भी एक जलकुंड है, पर जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये बिल्कुल शिवलिंग के आकार में है, एकदम परफेक्ट शिवलिंग के आकार में है। और ये जलकुंड भी है जिसमें कभी भी पानी नहीं सूखता है दोस्तों। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हो टू व्लॉगर्स, मैं हूं अक्षय और मेरे साथ में इधर मनीष भाई भी हैं, आप देख सकते हो। और आज गाइस हम लोग आ चुके हैं, आपको टाइटल से पता लग गया होगा, आप पीछे देख भी पा रहे होंगे मेरे, आज हम लोग पहुंच गए हैं रांची में स्थित मरसिल्ली पहाड़। और यहाँ के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे, यहाँ के बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे रहस्य है और क्या क्या है यहाँ पर और क्यों अभी ये जो है रांची के यूथ के लिए बहुत ही फेमस स्पॉट बन चुका है वो भी आपको बताएंगे। और अभी साथ ही साथ ऊपर चलेंगे, बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना और थोड़ा सा भी स्किप मत करना। और यार दोस्तों वीडियो पे आ ही गए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर दो, ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको सबसे पहले देखने को मिले। और चलते हैं ऊपर और आपको बताते हैं मरसिल्ली पहाड़ के पूरे इतिहास के बारे में। दोस्तों चार धाम से जुड़े कई किस्से कहानियां आपने सुने हैं और इच्छा भी रखते हैं चार धाम जाने की, और हर किसी को जाना चाहिए। पर क्या आपको पता है कि आपके अपने शहर रांची में स्थित है एक ऐसा जगह, एक ऐसी भक्ति वाला जगह जिसका नाम है मरसिल्ली पहाड़। दोस्तों ये बहुत लोगों को पता नहीं है कि रांची से सिर्फ 19 किलोमीटर की दूरी में नामकुम में स्थित है मरसिल्ली पहाड़, जो कि कुल 280 एकड़ में फैला है दोस्तों। और यहाँ पे ऐसी क्या बातें हैं, ऐसी क्या रहस्य हैं जो अभी हाल के दिनों में ही ये मरसिल्ली पहाड़ काफी ज्यादा युवा लोगों में प्रचलित हो गया है, तो इन सारे राज के बारे में, सारे रहस्य के बारे में आपको इस वीडियो में पता चलेगा दोस्तों। तो वीडियो को आप अंत तक देखते रहें। जो है ये कुंड बहुत गहरा है, अरे पूर्वज लोग तो बोलते हैं कि सात खटिया के रस्सी मने लगने के बाद भी इसको उठा नहीं लगा गढ़ा का, कि जितना गढ़ा कुंड है तो वही चल रहा है और जल कभी नहीं सूखता है, और यही जल से सारा लो दिन पूजा होता है बाबा के। मतलब कुंड में से आप जल लेके आते हैं, वही जल से पूजा करते हैं, धो पहुँच वही जल से करते हैं, या कोई भी श्रद्धालु आते हैं सब वहीं से पूजा करते हैं जल ले करके। अच्छा, लाचनी और जल नहीं है, और इसका नाम पड़ा है मरसिल्ली, वाल्मीकि जी आए थे, वाल्मीकि जी ही तपस्या कर रहे थे, और तपस्या करते करते राम 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 कर ही रहे थे, करते ही करते से सुर में निकल गया मारा 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 मारा, इस चलते मरसिल्ली इसका नाम पड़ गया। तो मरसिल्ली शिवलोक धाम से ये प्रसिद्ध है। अच्छा बाबा, ये भी कहा जाता है, कभी हम लोग देख रहे थे कि शिवरात्रि के टाइम पे बहुत सांप निकलता है, सावन में निकले थे अभी, बहुत निकलता है, बहुत बहुत बहुत, बहुत कहना ही नहीं कितना अपने आप सब बाहर आता है सब अपने। दोस्तों जैसा आपने सुना कि इस जलकुंड से सावन में कई हजार सैकड़ों सांप निकलते हैं और वो शिवलिंग तक जाते हैं और वापस से जलकुंड में समा जाते हैं, तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं कहा जा सकता दोस्तों। इसके अलावा इस जलकुंड की गहराई जो है वो बहुत ही ज्यादा है, तो एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप कभी भी यहाँ आओ तो प्लीज इसके अंदर मत जाना अगर आपको तैरने ना आता है, क्योंकि इसकी गहराई का किसी को भी पता नहीं है तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे दो और बड़े जलकुंड है, जिनमें से एक ये आप देख पा रहे हो, ये शिवलिंग के आकार का जलकुंड है। इस जलकुंड का आकार पूरा शिवलिंग की तरह है, इसकी गहराई भी करीब 8 से 10 फीट है, हमने पंडित जी से इसके बारे में भी पूछा था, तो ये उनका कहना है कि गर्मी में सूख जाता है पर बड़ा वाला जलकुंड जो है वो कभी नहीं सूख, पर इसकी गहराई भी 8 से 10 फीट है। और एक और ये जलकुंड है जो आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये नेत्राकार का जलकुंड है, तो ये कुल 3 जलकुंड इस मरसिल्ली पहाड़ पे मौजूद है। इसके अलावा दोस्तों एक गुफा भी है जहाँ अभी हम नीचे जाएंगे। Oh, 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 oh
उतरने के लिए यहाँ से उतर जाएगा। तो उसके नीचे उधर कहीं वहाँ पे कहीं नीचे में गुफा है, अभी उस गुफा की तरफ ही जाएंगे हम लोग गाइस। और पता नहीं रास्ता कैसे जाने का है, उधर नीचे बताया लोगों ने कि उधर गुफा है नीचे कहीं पे, तो चल के देखते हैं कि गुफा क्या है और कैसा गुफा है। दोस्तों अभी हम लोग मरासिली पहाड़ के दूसरे कोने में आए हुए हैं नीचे, क्योंकि पता लगा यहाँ पे लोकल लोगों ने बताया कि नीचे जो है एक गुफा है, तो गुफा की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और नीचे चल देख के चलना पड़ रहा है क्योंकि पहाड़ उतर रहे हैं लिटरली, आप देख सकते हो पीछे। तो देखते हैं कि गुफा में क्या है, कितनी बड़ी गुफा है और क्या इसका राज है, पता लगाने का कोशिश करते हैं दोस्तों। ये आप देख सकते हो, अभी मैं पीछे दिखाता हूँ, नीचे जब आओगे तो आपको एक सिंगल ये एक पेड़ मिलेगा और इसी पेड़, ये जो पेड़ आप देख रहे हो दोस्तों ये पेड़ है, और इस पेड़ से ठीक आप सामने देखोगे, देखो उस तरफ तो जहाँ पर झंडा लगा हुआ है वहीं पर गुफा है। तो अभी हम लोग जाएंगे खेत पार करके गुफा की तरफ, देखते हैं क्या है और आपको भी दिखाते हैं दोस्तों कि गुफा में क्या है, कितना बड़ा गुफा है। वो देखिए दोस्तों, अगर आपको दिख रहा हो यहाँ पे तो वही गुफा है, और लिटरली गुफा तो देख के लग रहा है काफ़ी बड़ा है। तो थोड़ा और नज़दीक जाके देखते हैं गुफा। आपको बस दिखाने के लिए कि गुफा जो है कितना अंदर है, अभी इसके अंदर मैं जा रहा हूँ और आप देखिए अंदर जाने से आपको एक्चुअली पता लग जाएगा, क्योंकि अंधेरा है तो अंदर जाने से एक्चुअली पता लग जाएगा कि जो गुफा है वो कितना बड़ा है। तो देखिए चलता हूँ, और सच बताऊँ तो भाई थोड़ा तो डर लग रहा है। तो अगर मैं दिख रहा हूँ दोस्तों आपको, तो ये यहाँ तक गुफा है जो अंत होता है, और ऊपर हाइट जो है नहीं कैमरा, ऊपर जो हाइट आप लोगों को दिखाता हूँ गाइस गुफा के बारे में, देखो अभी ये बहुत ही अनोखा जगह है यार, ये देखो गाइस काफी ऊपर है और इधर भी डीप है थोड़ा। देखो मैंने अपने लाइफ में आज तक कभी ऐसा गुफा कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त, और ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे कोई ऋषि मुनि जो तप करते हैं। तो दोस्तों बस इसी गुफा के साथ आज के इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। यही था रांची में अद्भुत मरासिली पहाड़ और अद्भुत जलकुंड के रहस्य, और ख़ासकर ये गुफा भी है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो यार, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर दो, और कमेंट करना कि क्या अच्छा नहीं लगा। उसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि अगली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे एक और नए ब्लॉग के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव। उस तरह का ये गुफा लग रहा है।